पंजाब में होशियारपुर जिले का पहला ऐसा परिवार जिसकी तीन पीढ़ियां निरंतर खून दान करके जरूरतमंद लोगों की सेवा करने का काम करते आ रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को नेत्रदान और शरीर दान करने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। मौका था सम्मान का। इस कार्य के लिए उन्हें सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार की ओर से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि उन्हें बॉलीवुड के कलाकारों की ओर से एक विशेष कार्यक्रम में सम्मानित भी किया जा चुका है और आने वाले दिनों में उन्हें लुधियाना में स्टेट अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में डीडी समाचार के दलजीत अजडोहा ने परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत की। दोस्तों, साड़ी अक्सर कोशिश होती है जदों कोई व्यक्ति लोगों की गल करता, आवाम की गल करता, जनहित की गल करता, तो असी उसनों अपने इस मंच से लिया के उन्होंने गलबात करते हैं ता कि बहुत सारे लोग जी यह कोशिश करते हैं, काम करते हैं, पर उन्होंने सही मार्गदर्शक ना मिलने के कारण वो अपना काम नहीं कर पाते। तो इस करके असी उन्होंने लोगों को अपने मंच से लिया ता कि वह लोग भी सीख सकन, तो उस तरह का किसी भी तरह का जो काम कर सकते वो कर सकन। सो इस लड़ी के तहत अज असी पहुंचे हैं जिला होशियारपुर के कस्बा बुल्लोवाल के, जिथे असी अपने दर्शकों उस दंपति के नाल, उस पति पत्नी के नाल मिला जा रहे हैं जिन्हें जिले घर के पहले हसबेंड वाइफ ने जिन्होंने आफ्टर मैरिज 27 बार ब्लड डोनेट किया कट्ठिया ने, तो जबकि जोड़े सिंगल से बहादुर सिंह जी इन्होंने पहली बार जोड़ा तकरीबन 67 बार कर चुके हैं। सो पूरी जानकारी लिए असी उन्होंने गल करा कि कहड़ी जानकारी है, क्योंकि बहुत सारी गल यहाँ पर कितने ना कितने असं विसर जाने, वो अपनी गल कहने वधिया तरीके साडे दर्शकों स्रोतों। सो बहादुर सिंह सिद्धू साहब तो मैडम तुहाडा स्वागत। हाँ बहादुर सिंह जी, पहला तो तुम अपने बारे तो फिर मैडम जे साडे दर्शकों को दसो जी तुम अपने बारे। सर, मेरा नाम बहादुर सिंह है जी, तो मैं पिंड गुल्लोवाल दी दर्शनी किताब बिलोंग करता हाँ। मैं ब्लड डोनेशन के जी कॉलेज टाइम तो ही प्रोफेसर बहादुर सिंह सुनीत ने होशियारपुर के एक जाने माने हस्ती ने ब्लड डोनेशन तो होर सोशल गतिविधियों में बहुत जानिया मानिया नाम ने, उन्होंने लैक्चर सुनने का मौका मिले ब्लड डोनेशन के उपर। ठीक, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे फादर साहब, मेरे मदर, मेरे ताया जी, मेरे ताई जी, ये सब पहला ब्लड डोनेट करते सन, तो मैंने पता से कि भी ब्लड डोनर हैं। आप से सब ये कह सकते हैं कि जो ब्लड डोनेशन काम है तो गुड़ती मिले। बिल्कुल, परिवार के बीच जी। जो पहले भी कॉलेज कैंप लगा तो मैं कैंप जो पहला मेरा हौसला नहीं पाया, जो सारे देखता जो लोग जिन्हें भी होर स्टूडेंट से जो ब्लड डोनेट किया, सब तो बाद जो मैं हौसला इकट्ठा करके मतलब अपना ब्लड डोनेशन लिए मैं अगे वध्या, तो सू मैंने डॉक्टर साहब ने कहा कि बेटा साडे यूनिट जे हूँ पूरे हो गए, तेरा नाम लिख लेने अभी अगली बार डोनेशन ले लवेंगे। पर मेरे प्रोफेसर साहब प्रोफेसर राजकुमार से उत्थे कहते सर भी बेटे ने बड़ी मुश्किल का हौसला करके अगे वध्या है, भी जे अज तुम इन्हें रोकता हो सकता दुआरे से हौसला पवे कि ना पवे, तुम अपना सैटअप दुआरा लगाओ तो बच्चे का ब्लड डोनेशन करवाओ। तो पहली बार सर जो ब्लड डोनेशन की तो जो मन के ब्लड डोनेशन के रिगार्डिंग सगा कि हाँ भी खून घट जाता जा कमजोरी आ जाती कुछ इदा का सर कुछ भी नहीं होया, तो जो मतलब संतुष्टि हुई कि हाँ भी मेरे दिते खून ना किसी की जान बचेगी। बिल्कुल सर, सन 2002 की गल है सर, मैं BSc फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट से DAV कॉलेज होशियारपुर विखे, तो उस तो बाद फिर जो घर आके दस्या कि मैं ब्लड डोनेशन करके आया तो फैमिली में हल्लाशेरी मिली, जिन्ना मेरा थोड़ा हौसला होर वध्या जी, तो हौली हौली करते प्रोफेसर बहादुर सिंह उन्होंने नेड़ता वधी, उन्होंने लैक्चर सुने, जो उन्होंने मिलने का मौका ज़्यादा मिलिया तो मोटीवेशन उन्होंने थोड़ी ज़्यादा हुई, तो सर फिर उन्होंने पद चिन्ह से चलना शुरू कर दिया जी। पर मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इन्हां नूं भी नाल जोड़ा, पर यह भी चाहता सी कि मैं इन्हां नूं फोर्सफुली ना कहां, जिन्ना चिर बंदा खुद मोटिवेट होकर काम ना करे उन्ना चिर बंदा लॉन्ग टाइम तक नहीं जा सकता। फिर दो बारी मैरिज तो बाद जो मैं ब्लड डोनेशन की इन्हां नूं मैं नाल लैके गया, इन्होंने भी देखा कि ब्लड डोनेशन करने तो बाद कोई कमजोरी नहीं आती, सिर्फ लोगों का मन डर जोड़ा होंगे है कि उही है, तो इन्होंने भी मेरे ना गल की कि मैं भी करना चाहनी हाँ, तो साडे बेटे के बर्थ तो जो 6-6 महीने बाद जिदा गवर्नमेंट की गाइडलाइन हैगी है, तो फस्ट टाइम इन्होंने फिर जो दिता ब्लड तो इन्होंने मन में जो शंका वगैरह से सर वो सब दूर हो गई हैं। मैडम अपना तुसी साडे दा अपना नाम की है जी? मेरा नाम जतिंदर कौर है, मैं एक अध्यापका हाँ, अध्यापका होने के नाल नाल मैं एक ब्लड डोनर भी हाँ। मैरिज तो पहला मैं सोचा नहीं सी कि मेरा पर मेरे मैरिज उस परिवार विच होगी जिन्हां दे फैमिली मैंबर सारे ब्लड डोनेट करते हैं। आफ्टर मैरिज हसबेंड दे नाल नाल मदर इन लॉ फादर इन लॉ वल भी देखिया कि वह भी काफ़ी अगे आ रहे ब्लड डोनेशन दे विच, फिर मैं भी सोच लिया कि मैं भी इस रीत नूं अगे तोरूंगी जी। मैम जिवें सिद्धू साहब ने दसिया आफ्टर मैरिज जो आए तो इन्होंने कहा फोर्सफुली नहीं कहना तो जेहन च अपने आप ही आया जो इन्होंने फिर तुम कितने छोटा मोटा हसबेंड वाइफ कई बार हो जाता भी मैं करना नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इन्होंने बिल्कुल नहीं मैंने कहा, मैं खुद इन्होंने वाल देख के मोटिवेट हुई हाँ। तो जो फस्ट टाइम मैं 2014 ब्लड डोनेट किया मेरे मन में पहला एक वहम से या डर से कि जो उन्होंने डोनेशन लैनी है तो थोड़ा दुख लगेगा, पर आफ्टर डोनेशन तो ये मेरे वहम पर बिल्कुल दूर हो गए कि इस तरह कुछ भी फील नहीं होंगे।
मैम बहुत सारे देखा गया लोगों के पिछले गल जाती है जिम्मे दस रहे सिद्धू साहब ने दसिया भी दस रहे हो आम लोगों को जो कन्वे किया जाता वो कहते ब्लड देना बहुत सारिया प्रॉब्लम्स आदि हैं कई बार बीमारियां ज कमजोरी आ जाती है तुम मतलब तू लगा भी कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं इस तरह कुछ नहीं होंगे सगो बहुत सारिया बीमारियां दूर होंदिया एनर्जी साढ़े बच्चे आँदी है नवे सैल बनते हैं जी बंदा पहला नालो ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है जी। सिद्धू साहब तुसी अपने कॉलेज की गल शुरू की ब्लड डोनेट की गल की है और भी कई यहोजियां अहम गल्लां जिहड़ियां ज्यादा जिहड़ियां तुहाडियां जुड़ियां है ब्लड डोनेटर के नाल जिहड़ियां नेत्रदान भी तुसी लोगों कन्वे कर दे हो बहुत सारियां अज तक किन्ना कि तुसी इस संस्था के नाल जुड़ के जिहड़े लोगों को कन्वे कर चुके हो और किन्ने लोग तुहाडी कन्विंसिंग हो के लोग जिहड़े आ नेत्रदान जां शरीर पार्ट्स ऑफ बॉडी जिहड़े डोनेट कर चुके जी। सर ये गल बिल्कुल सही है तुहाडी कि जिस टाइम ते तुसी शुरू कीता सीगा प्रोफेसर बहादुर सिंह सुनीत कल्ले सी उस टाइम दे विच ओह हर एक नूं कहिंदे सी बट उस उहनां दिनां विच इन्नी डोनेशन बारे जागरूकता नहीं थी। फिर मैं जो हौली हौली होया तो सर के नाल अभी जो जाना कई बार सूँ कॉल आ जानी कई बार सर मैं इकट्ठे होना किसी का कॉल आ जाने मेरे सूँ ब्लड यूनिट की रिक्वायरमेंट हैगी हेल्प करो तो सर ने उन्होंने पूछना कि वास्ते चाहिए जी तो मोहरे बंद ने जवाब देना जी मैंने अपनी मदर वास्ते चाहिए जी। फिर सर ने उन्होंने समझाना बेटा कि तू अपनी मदर वास्ते तू नहीं ब्लड डोनेट करेगा तो साढ़े भी तो ह्यूमन बॉडी में उही ब्लड हैगा जो तुम सगो अगर अपनी मदर डोनेट करोगे तो ढे वाल देख के होर भी गए इस लाइन चाहेगा तो सर उस टाइम औखा थी बट जो हूँ जिदा हम अच्छा डेंगू सीजन चल रहा है जो डेंगू ज्यादा बढ़ना शुरू होया तो लोगों में ब्लड की जी महत्ता वे लोगों को पता लगना शुरू होया या जो प्रैगनेंसी केस में बी नैगेटिव ग्रुप की लड़ पैंती है उस वे लोगों को पता लगता है कि ब्लड की अहमियत कितनी है। एक लौती चीज़ है जी कि मतलब साइंस ने तरक्की तो बहुत कर ली बट खून का बदला हले तक साढ़े कोई नहीं दे होया वास्ते सूँ अपना खून देना ही पेगा हौली हौली जो कैंपा में स्कूलों में सर जाना या उस बाद हाइड्रेशन एसोसीएशन नेत्रदान संस्था मैं जुड़िया सर एक्टिविटीज़ बढ़निया शुरू हुई तो अभी स्कूलों कॉलेज में कैंप वगैरह लगाने शुरू किए तो उस तो बाद सर जब आई डोनेशन के भी हुशियारपुर नेत्रदान संस्था हुशियारपुर जुड़ के तो मैं अपने बुलोवाल एरिए का मोटीवेटर सगा तो मेरे इस वेल तक सर साढ़े पिंड तकरीबन पांच जने ने अपने अखा डोनेट की जिन्होंने दस नहरी जिंदगी रोशनी भरी जा चुकी है तो पिछले हफ्ते मास्टर तरलोचन सिंह जी जिन्होंने आफ्टर डैथ उन्होंने अपनी बॉडी क्लैच की सी उन्होंने बॉडी सर उरमला देवी मैडिकल कॉलेज में डोनेशन वास्ते गई है। सर सिद्धू साहब तुम इस गुफ्तगू तो पहला एक बड़ी विस्तार में गल दसी कि जे कामरेड साहब तलोच सिंह की गल दस दूँ उन्होंने अपने कोल बुला के कहा कि जो थोड़ा यहो जी घटना वापरती है तो पहले ही जिंदा व्यक्ति बुला के कहता मेरा क्राइम तो किस तरह का लग रहा है सर जिम्मेवारी बन जाती जी एक पूरी उस वे क्योंकि जिस टाइम किसी बंद की डैथ होंगी उसकी फैमिली में माहौल ही उस तरह का होंगे तो दूजा उस उस माहौल उस फैमिली मैंबर बैठ के गल करनी कि हाँ जी साढ़े मतलब फादर या मदर ने या ब्रदर ने आइस बॉडी या प्लज की हुई है उन्होंने पूरा करवाना है उस गल गल कर माहौल आ उस वे सर थोड़ा बहुत लगता है कि फैमिली में गल करना क्योंकि कई बार होंगे जी बंद ने प्लज की होती पर फैमिली में पता नहीं होता उस वे प्रॉब्लम सर ज्यादा आती है बट मास्टर तरलोचन सिंह होने से सारी ने फैमिली में सारे पूरे पिंड में पता सगा कि ये कम अपने जिस लैवल के बंदे है इन्होंने जो प्लज किया हो डैथ तो बाद उन्होंने बेटे ने मेरी गल हुई तो भाजी ने कहा हाँ जी इन्होंने बॉडी से आइज प्लज की हुई बट गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से सर 80 साल तो उपर आइज जी नहीं ले जा रही है इस करके उन्होंने आइज डोनेट नहीं कर रही बट बॉडी क्लैच उन्होंने फार्म भरे हुए थे मैं प्रोफेसर बहादुर सिंह उन्होंने कंसल्ट किया उन्होंने सारा अरेंजमेंट करवाया तो नैक्सट डे उन्होंने जो बॉडी पूरी तो बॉडी पूरे बुलोवाल से फर्स्ट सर बॉडी डोनेशन हो गई थी। मैडम तुम जिमें दसिया अध्यापका हो टीचर हो तुम अपनी इस प्रोफेसन के नाल नाल जिम्मे सिद्धू साहब तुम्हारे हसबेंड लोगों को कन्वे करते भी अपनी ड्यूटी दौरान या ड्यूटी तो बाद लोगों को इस तरह कन्वे करते हो इन्हों का सहयोग करते हो या अपने तौर पर ही बीतते हो लोगों को दसते हो कि इस तरह के बॉडी डोनेट करो या आइस डोनेट करो या ब्लड डोनेट करो कुछ जो कैंप लगता है मैं भी इन्हों के नाल जाती हाँ उत्थे जाके भी देखती हाँ काफ़ी लेडीज़ पिछे रहा पर उन्होंने स्कूल लाइफ के भी जो टीचर्स आते असी बैठते हैं तो यही गल होंगी पर तुम अगे आओगे तो थोड़ू देख के कोई होर अगे आएगा सर मेरे नाल जो टीचर्स आ वह भी काफ़ी मोटीवेट होकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ओके मतलब जिम्मे स्कूल टीचर्स के नाल है जो कितना मिलता मौका मिलता कितने कल्या जान का क्योंकि टीचर हो तुम इंडिपेंडेंट जान का कि मीटिंग ऑफिशियल मीटिंग हो कभी अपना ये जी चला रहे मुहिम ये तहत भी कभी गल करते हो कि तुम्हें मौका मिलता भी लोगों को कन्वे कर सकी है जी। सर जो सैमीनार लगते उन्होंने अक्सर गल होंगी है तो उत्थे भी सारे टीचर्स में यही कही भी तुम अगे आओ तुम अगे जाके अपनी फैमिली भी अपने मोटीवेट करो तुम जिते 27 बार दोनों ने खून कट्ठा किया कल्या ने जिमें सिद्धू साहब ने हुशियारपुर जाके नेत्रदान के नाल किया कल्या ने तुहाडी कोई अचीवमेंट जिहड़ा तुसी लोगों को कन्वे किया तुहानू लगता भी इस कन्वे से इस दे मिशन दे विच तुसी आप सक्सैस होए और मैं कल्या ने किया सर ये ब्लड डोनेशन दे विच तां अजे मैं कर रही हाँ पर इन्ने नहीं हो रहे तो मैं इन्हें नाल नाल जिहड़े साडे स्कूल दे विच अपने गरीब तबके दे जिहड़े बच्चे आ उन्हां लई काफ़ी काम कर रही हाँ उन्हां दी जो भी उन्हां दी बेसिक नीड है वो पूरियां करदी आ मेन उन्हां दी पढ़ाई दे नाल नाल हुंदा उन्हां दे खेडां वल ज़्यादा रुचि हुंदी आ ते उन्हां नूं मैं जिथों तक हो सके लास्ट ईयर उन्हां नूं मैं स्टेट लैवल तक अपने दम ते लैके गई आ उन्हां नूं
सर इस तो पहला मैं विकसित तुम टुकांगा जी बिल्कुल सर नरियाला पिंड है मुरादपुर नरियाला पिंड है उसे जो इन्हें फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी सन 2016 के जी उस वे सर झुग्गी वाला बच्चा ब्रैंड वाला बच्चा मेहनती है इन्होंने अपने दम से मेरा बच्चे का नवोदया का पेपर भराया उन्होंने तैयारी करवाई हॉस्पिटल डॉक्टर अमरजीत लाल होंगे उन्होंने गाइडेंस सेंटर ब्लड डोनेट कर रहे थे एक बार मैं गया तो सर जिद्दी गया सर कहते चल बहुत रब का शुक्राना कहते तू आ गया मैं सर की होया उन्होंने मैंने दसिया कहते जैसे खुनखना पिंड के मास्टर है तो उन्होंने बेटे 16 साल बेटे की उम्र है तो उन्होंने थैलीसीमिया का पेशेंट है तो उन्होंने हर मतलब मंथ बाद ब्लड डोनेशन चढ़ते चढ़ता है तो कहते इस करके मास्टर जी हर महीने ब्लड कैंप लवाते रहेंगे तो उन्होंने ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है बट कहते इस बार उन्होंने कैंप लगा नहीं साढ़े को पॉजिटिव ब्लड की थोड़ सी तो मेरा सर बाई चांस हुआ ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव तो सर ने मैंने कहा कि चलो हूँ तू आ गया तेरा ब्लड उस बच्चे बच्चे चढ़ गया तो जिंदगी बचेगी उस वे सर जो खुशी मैंने हुई कि हाँ वाकई जो सुनया कि खूनदान किसी जिंदगी बचा सकते हैं मेरी जिंदगी मतलब पहला रियलिस्टिक वाक्य वो सगा कि मैंने पता कि अब मैं जो खून दिता तो थैलीसीमिया पेशेंट बच्चा जो जान बचेगी उस तो बाद सर फिर मतलब खुशी जी मैं जाहिर नहीं कर सकिया बट जो जनून होर ज़्यादा आ गया कि हाँ वाकई असं जो सुनते हैं बट ये प्रैक्टिकली भी पॉसीबल है जी सर जी सिद्धू साहब असं इस गुप्तू के दौरान गल करिए जो असी बहुत सारिया गल् रह गए सन्मान की गल हुई थोड़ा बख बख थावान से सिविल प्रशासन पुलिस प्रशासन तो दिल्ली के हर होर भी जोड़ा जिमें असी देखा से बॉलीवुड हॉलीवुड के एक्टर वालों भी जो सम्मान उन्होंने वालों भी थोड़ा सम्मान किया इस गुप्तू के दौरान थोड़े को मैडम होर को इस ब्लड डोनेशन के जोड़े जो सोशल काम आप गल करनी भुल गए तो तुम सा दर्शकों दसनी चाहते हो वो जरूर जी सर बिल्कुल मैं यही गल करनी चाहवाँगा कि जिदा ब्लड डोनेशन का सर हूँ काफ़ी मोटिवेशन लोगों या नवे यंग जनरेशन में आ चुकी है बॉडी डोनेशन के ऑर्गन डोनेशन अभी गल कर रहे उस चले सर काफ़ी पिछले चल रहे हैं वॉलंटियर ब्लड डोनेशन के फिर भी हले देखे जाए तो पंजाब या भारत की गल करिए असं काफ़ी पिछे है उस वास्ते सर मतलब वॉलंटियर ब्लड डोनेशन वैसे सूँ अगे आना चाहिए असं यह ना मंगिए कि जो किसी साडे रिश्तेदार लोड़ पवे असं बजाय खुद दे दें अपने यार दोस्त फोन कर देंगे कि यार ब्लड डोनेशन की लड़ है असं खुद अगे आईए तो सू देख के होर भी लोग अगे आ सकन तो कई बार सर रोड साइड एक्सीडेंट हो जाता है ब्लड ग्रुप चाहिए होंगे सिविल हॉस्पिटल ब्लड की उपलब्धता नहीं हो पाती तो उदो किसी की डैथ हो जाती है सर उस वे मन दुखता कि जे वॉलंटियर ब्लड डोनेशन 100% हो जाए तो इदा के एक्सीडेंट में किसी की जान बचाई जा सकती है शरीर कोई कमी आ जाएगी पर इस तरह कोई चीज नहीं होंगी कोई कमी नहीं बॉडी दे विच आउंदी तुसी भी वध चढ़ के अगे आवो तो अपनी फैमिली नू नाल लै के मोटिवेट करो उन्होंने मदर फादर के गल कर संस्कार जी गल करते जी इन संस्कार मिले आ जो परिवार के गल करते हैं अपने नाल हूँ असं उन्होंने मदर फादर सरदार जसवीर सिंह जी जो पुलिस के इंस्पैक्टर रिटायर ने अक्सर देखा जाता पुलिस वाले तो ब्लड जो घटे करते पर इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ता भी जितने आप ब्लड पांच बार दान किया उत्थे अपने बच्चों भी यहोजी तैलीम दी है तो वो भी ब्लड कर दुनिया की लुकाई लिए काम कर नाल ही उन्होंने माता जी या कलवान कौर उन्होंने भी है सो इस परिवार के जिते साढ़े दर्शकों को खुशी होगी सानू भी ए लगता भी अज असं इस परिवार के आके अपने लोगों के बहुत वधिया उपराला कर रहे हैं बेशक अपने मुँहों नहीं कहना चाहिए पर असी कोशिश ही करते हैं क्योंकि साढ़े वालों इस प्रयास के बेशक एक व्यक्ति भी सुन लवे तो साड़ी ये जी कोशिश आ प्रयास आ सार्थक होगा क्योंकि यहोजे परिवारों को अक्सर मिलना जरा बड़ा मुश्किल आता सो जसवीर भाई थोड़ा स्वागत है जी लिविंग इंडिया के नाल दी नाल मैडम कुलवंत कौर जी भी स्वागत है तो तुहाडे बेटे से असी गल की ब्लड डोनेशन को लैके तो सानू उन्होंने दसिया भी इस मंच से भी मेरे फादर साहब तो मैं प्रेरित होकर किया तो तुम हूँ गल की भी तुम अपनी मदर को मतलब पीढ़ी जी तीसरी पीढ़ी आ तो तुम कदों जरा ज्वाइन की पुलिस तो कदों तुम यह ब्लड डोनेट शुरू किया पहली बार मैं सन 1976 अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन किया जी मैं ब्लड डोनेट किया मेरे मदर शुरू तो पहले तो नहीं थी एजा मंथ कह दी मेरे मदर बीमार हुए तो उन्होंने ब्लड की बहुत लोड़ सी तो मैं उन्होंने तो शुरू किया ब्लड डोनेट करना उतों मैं शुरू होया तो फिर इस तरह साढ़े पिंड रिलेटिव से उन्होंने भी लोड़ पी तो फिर उन्होंने मैं ब्लड चंडीगढ़ दिया उस वे तो मैं चंडीगढ़ ट्रेनिंग करता अंडर ट्रेनिंग थी मैं तो उन्होंने उसे ब्लड डोनेट करके इस तरह फिर जिस दिन मेरा मन बन गया तो बहादुर सिंह भी मेरे तो देख के करना पर मैं भी करता रहा तो फिर बहादुर सिंह भी पता लगे डैडी भी डोनेट कर दिया इन्हें उस तरह मैंने ब्लड डोनेट करना
सो गल करिए लड़ी ना लड़ी जुड़ती है जो तुम्हें पता लगा तुम ब्लड डोनेट करते तो बेटा भी छोटी उम्र जो स्कूल कॉलेज पढ़ता सो तो ब्लड डोनेट कर गया तो किस तरह लगा सर बहादुर सिंह बहुत सोहना लगे जी बहुत खुशी हुई एक बार मैंने ब्लड डोनेट किया कॉलेज तरफों यद नाम तो फिर चंडीगढ़ भेजा गया तो पंजाब के राजपाल उन्होंने इन्हों सम्मान कर नखो दे फिर गया उ मैं बहुत खुशी हुई राजपाल साहब ने सम्मान किया बीबी जी थोड़े जो तुम कि बार ब्लड डोनेट कर चुके हो मैं 6-7 बार मैं भी कर चुकी हूँ मदर इन लॉ पहली बार दिता चंडीगढ़ PGI हॉस्पिटल आने की उदों पहला बहुत डर हों कि पता नहीं की हो जाना पर ब्लड देने तो बाद असी PGI तो किसी रिश्तेदार के घर उन्होंने दसन जाना कि साढ़े मम्मी इतने एडमिट है जी। जून महीना से असी गलत रस्ते मतलब स्टॉप तो उतरना से अगले तो पैर पिछे उतर गया उतो फिर दोपहर कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा पैदल 2 किलोमीटर फिर दोपहर धुप में 2-2.5 बजे असं तुर के गए उदों फिर होया भी हाँ इन्ना तुर के भी आए धुप भी बहुत तेज़ है पर कुछ नहीं इदा का होया फिर हौसला बढ़ गया फिर हर एक जिले से किसी लोड़ होंगी सी फिर कहता कि सानू नाल लैके चलो असं तुहानू फोन जरूर देवे भी जो थोड़े बहू तो बेटा ब्लड डोनेट करते हैं जो भाई साहब जसवीर सिंह उन्होंने दसिया तुहानू किस तरह लगता जो बहू तो बेटा ब्लड डोनेट करते तो फिर जो इनाम लैके घर आते हैं जिम्मे इनाम लड़ी लगती है फिर तुम्हें किस तरह का लगता बहुत माण महसूस हों के बच्चों ने साडा नाम रोशन किया उन्होंने बच्चों की खातर असं अजकल थोड़े न बैठे है देखो जी इस कहना चाहना कि ब्लड डोनेट करने शरीर कोई कमजोरी नहीं आती मैं दसना चाहा कि मैं अंडर ट्रेनिंग से मोहाली उस वेले मैं ट्रेनिंग करता करता डिपार्टमेंट के ब्लड डोनेट करके अंडर ट्रेनिंग भी मैं कोई प्रॉब्लम नहीं आई ब्लड डोनेट करना शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती सगो सानू ब्लड डोनेट करना साढ़े सारे टेस्ट जो फ्री में हो जाते सानू लग जाता पता साढ़े कोई बीमारी तो नहीं इस करके सानू ब्लड डोनेट करना चाहिए जिहड़ियां जिंदगियां नू बचाउणा चाहिए बीबी जी तुसीं की कहना चाहोगे महिलावां नू जिहड़ियां अजकल लड़कियां बहुत सारियां एज हैगियां आपू 50 आ उहनां नू ब्लड देण बहुत सारियां उहनां नूहां नू कुड़ियां नू भी रोकदियां तुसीं ब्लड ना उहनां बीबियां लई तुसीं की कहना चाहोगे अस तां इही कहना चाहुंदे कि ब्लड देना कोई कमजोरी नहीं आउंदी कोई कमी पेशी नहीं हुंदी शरीर दे विच अगे तो अगे सब एक दूजे सगो तो नाल लिजा के अगे तो अगे सब का हौसला बधाओ तो ब्लड डोनेट करो बहुत बहुत धनबाद जसवीर भाजी बीबी कुलवंत कौर जी नाल दी नाल इन्हां दे बेटे बहादुर सिंह दा ते नाल उन्हां दी वाइफ दा बहुत बहुत धनबाद सानू इस खुशी है कि इस परिवार के नाल असीं गलबात की इन्होंने ब्लड डोनेट कर पूरी का पूरा जिहड़ा साडा इस सैगमेंट आ ब्लड डोनेट करने ते लोगों को जागरूक करने लिए लगा तो असीं भी कोशिश करांगे अपने चैनल के माध्यम लोगों तक आवाम तक गल पहुँचाइए जिन्हां परिवार वालों की जिहड़ी अपील आ उह ते पहुँचाइए ताकि लोग